नमस्कार, आप सभी का हमारे रिलीगलाइजेशन कोर्ट में स्वागत है। पहले मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने अभी रिलीगलाइजेशन कोर्ट जो हमारा है, जो हमने नोट कराया था, हमने ज्वाइन करा। आज अगर मैं इस कोर्ट के अंदर चेक कीजिए कि हम अब दो बेसिक कंसेप्ट में लेसन वन में आपको बता रहा हूँ, रिलीगलाइजेशन कोर्ट होता क्या है। सबसे पहले तो कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज लीड, लीड क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए कि लीड होती क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लीड जनरेशन, लीड जनरेशन क्या होती है। ये दोनों चीजों का आपको ट्रेंड बताएंगे, आपने इस लीड को किस तरीके से मार्केट से निकाला है। इसमें एग्जांपल आपको सारे शेयर कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स बहुत ही बेनिफिट होने वाला आप लोगों को जिन्हें दोनों ने कोर्स को ज्वाइन करा। लीड जनरेशन और व्हाट इज लीड, लीड क्या होती है कि आपने जो प्रोडक्ट, आपका कोई एजुकेशन प्रोडक्ट है, आपका सर्विस प्रोडक्ट है, या आपका कोई सर्विस में काम कर रहे हो, आप किसी भी टाइप की आप मार्केट से लीड लेना चाहते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। लाइक जैसे कोई सिंगल पर्सन, ये सिंगल पर्सन आपके बिजनेस के बारे में जाना है, या कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एजुकेशन सिस्टम है, या कोई किसी भी टाइप का बिजनेस है, उसकी लीड को कैसे जनरेट करा जाता है, कैसे उसे हमें बेनिफिट मिलेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने में। जैसे कि आपने हमें चेक कराया कि लीड जनरेशन कोर्स में हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि लीड होती क्या है। जैसे कि लाइक एग्जांपल मैंने आपको शेयर करूं, एनी वन पर्सन, कोई भी पर्सन जो आपके कोर्स में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में इंटरेस्ट दिखाए, उसको बोलते हैं लीड, कि हमें लीड वो मिली है, कि हमें वो इंटरेस्ट दिखाए। उसको बात क्या होता है कि हम लोग उसको चेक करेंगे कि दूसरा पार्ट है हमारा लीड जनरेशन, जो कि नेक्स्ट पार्ट क्या है, लीड जनरेशन, लीड जनरेट कैसे होती है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा है कि जो आपने एक लीड जनरेशन की ऑप्शन को लॉन्च करा फेसबुक के पेज के ऊपर, लीड निकाली, उसका हमें क्या मिलेगा। एग्जांपल क्या है आपके लोगों के सामने कि आपको हमें क्या देंगे, वो एक उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल, उसकी मेल आईडी, उसके साथ हम टाइप ऑफ मीटिंग, तब हम उस लीड को जो निकाली है उस लीड को जनरेशन में लेके आ सकते हैं, हमने उसको जनरेशन लिया। लीड जनरेशन में हमें उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, डेट मिल जाती है, आईडी मिल जाती है, उनसे मीटिंग का टाइम हमें फिक्स कर लिया जाता है, तो ये लीड जनरेट हो गई। आपके पास जो लीड जनरेट होती है उससे हमें किस तरीके से बात करनी है, उससे काम करना है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो ये है कि देखो लीड तो आप लोग जनरेट करोगे, आपने कोई ऐड लगाई, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि उसको नर्चर करना, नर्चर करना सीखना पड़ेगा आपको। ये मैं आपको बताऊंगा सारा इस लेसन के अंदर, जितना भी आपका कोर्स है, कैसे हम लोगों ने इसको लेसन करना है, कैसे हमें इसको नर्चर करना है, काम कैसे करना है, ये मैं आपको सभी को इसमें बताऊंगा आपको, जो भी है आपका सारी ऑप्शन। बट जैसे कि एग्जांपल आपने निकाल लिया है कि लीड जनरेट होने के बाद एग्जांपल आपको मिला है कि आपके पास 100 बंदों ने आपकी लीड के ऊपर आए और उन्होंने काम करा, आपके जो भी आपने ऐड लगाई थी किसी भी सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आपके पास एग्जांपल 100 बंदों ने लीड आ गया, बट उसमें से अगर आप उनको कुछ देखोगे, आपको एग्जांपल अगर आपने उनको देखा था, तो आपको मोस्टली 2 या 3% आपको उससे मिलेंगे, आपके कंडीशन वाले, आपके प्रोडक्ट को परचेज करने वाले, आपको उन पे विश्वास होगा, आपके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, 2 या 3%। बट
अगर हम अपने बिजनेस की लीड को जनरेट करने के बाद द मोस्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको नर्चर करना है। नर्चर क्या चीज होती है? नर्चर होता है कि आपके पास एक सेल्स टीम, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी पूरी नॉलेज होती है, सेल्स टीम को नर्चर करेगी। नर्चर करने का जैसे कि लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेयर करा है, लाइक रेगुलर सेंड एड उनको बाद में करो, उनसे कंटेंट अलग अलग अपने बेच रहे हो, उनके पास अपने वीडियो भी बेच रहे हो, डेली उनसे अपडेट दो उनको, धीरे धीरे वो लोग आपके साथ जुड़ने स्टार्ट करेंगे। ना कि ये तो एक एग्जांपल है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 100% को अगर बताओगे कि वो साथ के साथ आपको साथ जुड़ने वाले नहीं है, चाहे आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बिजनेस के रिगार्डिंग सर्विस दे रहे हो, कोई एडमिशन ले रहे हो, या किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, लीड आपको मिलेगी। जितना आप ऐसे लीड जनरेशन मोड में आप लीड लगाना सीखोगे आपको लीड मिलेगी, बट उनमें से आपके साथ साथ के साथ किसी भी काम में कोई भी साथ के साथ नहीं जुड़ता। और जब तक आप उसको नर्चर करना नहीं सीखोगे, नर्चर कैसे करोगे? जब तक आपकी सेल्स की टीम है जो उनसे बात करती है, उनको रेगुलर आप मेल डालो, रेगुलर उनसे कॉन्टेक्ट में रहो, रेगुलर उनको डेली अपडेट देते रहो अपने काम का, किसी ना किसी दिन वो आपके साथ जुड़ने स्टार्ट हो जाएगी। ये डेफिनेटली रिजल्ट है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको आना स्टार्ट हो जाएगा आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपने क्या रखना है, देखना है, मेन पार्ट क्या है कि जनरेट जो आपने एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने बहुत सी कंपनी के लिए अपने बिजनेस के लिए मैंने लीड कर लिया, जिनके ऊपर मैंने मान लो हजारों लीड हमने पे काम करा है, हजारों लीड पे हमने काम करा है, कि हजार लीड निकाल लिए हैं उनके ऊपर काम करा है, अलग अलग प्रोडक्ट बताया है। बट एक जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप लोग काम के लिए लीड तो निकाल लोगे हजारों, विदिन मिनट ऐसा सिस्टम आप अपनी कंपनी में जनरेट कीजिए, अपने बिजनेस में जनरेट कीजिए, जैसे कि सीआरएम सिस्टम आता है, सीआरएम सॉफ्टवेयर आते हैं, आपने फेसबुक पे लीड का एक ऐड लगाया, हमने उसने ऑटोमेटिकली सीआरएम पे आपको डाल दिया और आपके टीम के पास का मैसेज पहुंच गया ऑटोमेटिकली, और व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज टैग होते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे टैग होते हैं, इस टाइप से कुछ कुछ अपने बिजनेस में जनरेट करना है आपने, कि ऐड द सपोर्ट आपकी टीम ने जो बिजनेस निकाला है, आपको लीड मिली है, आपकी टीम उसको विदिन मीन एक घंटे के अंदर अंदर उसको याद कर ले, उससे बात कर ले, नहीं तो आप कोई भी रिजल्ट के लिए नहीं बता रहे, ये तो डेफिनेटली है। जैसे कि आगे मैं एक एग्जांपल आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट बेस एडमिशन बेस ले लेते हैं हम लोग, एडमिशन बेस से अगर काम करते हैं हम लोग, एडमिशन बेस लेते हैं, एडमिशन बेस में हमने एक स्टूडेंट ने हमें कॉल करी, हमारी आईडी देख के, हमारी लीड देख के उसने एक कॉल करी हमें, सर मैंने आपके उसमें एडमिशन कराना है, मेरे को इस कोर्स के बारे में बताया, तो आपकी तरफ से लाइक है कि मैं कुछ टाइम के बाद आपको कॉल करता हूं। अगर उस टाइमली आपने उसको सारा कुछ बताया जाता तो शायद वो आपके पास एडमिशन ले जाता, बट आपने उसको टाइम दिया, हर एक के पास टाइम नहीं है, जिसने अच्छा पढ़ना है, जिसने आपके प्रोडक्ट को, उसने अनदर किसी इंस्टीट्यूशन से बात करी और वहां पे एडमिशन करवा ली, तो आप लोगों ने उसको दोबारा कॉल करी, तब उन्होंने ये बताया कि सर मैं तो एडमिशन करा चुका हूँ, मैंने तो उन्होंने बताया था, उन्होंने मेरे को साथ के साथ अपनी मेल डाल दी है, साथ ही आपने ब्रोचर डाल दिया, आपने मेरे कोर्स के बारे में जो मेरे को चाहिए उन्होंने डीटेल मेरे को बताया, और टाइम भी मेरे को दिला दिया उन्होंने, ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे को बुला लिया उन्होंने किसी तरीके से। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको सीखनी पड़ेगी, आपकी टीम को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले लिया ना, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा कंसेप्ट आप लोगों के सामने आने वाला है, इसलिए हमने एक कोर्स लॉन्च करा है कि हमारे साथ जितने भी पर्सन जुड़े हैं एजुकेशन के लिए, बच्चे स्टूडेंट कुछ भी जुड़े हैं, सभी को बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज को आपने नोट करना है कि जो आपकी सेल टीम है, चेक योर सेल टीम प्रॉपर इंफॉर्मेशन के पास होनी चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, पूरी क्लाइंट लिस्ट उसके पास होनी चाहिए, फीडबैक उसको प्रॉपर ले, उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग चेक करो, बिल्ड रिलेशनशिप विद क्लाइंट,
क्योंकि वो क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप बना रहा है, आपके एडमिशन वाले स्टूडेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप बना रहा है, आपके जो प्रोडक्ट है उसके कैसे रिलेशनशिप बना रहा है। तो इसलिए हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है कि लीड जनरेशन के अंदर हम लोग आपको क्या क्या देने वाले हैं। तो आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत कुछ डीपली बताएंगे हम लोग कि किस तरीके से आप डेली आपको एक वीडियो आया रहेगा आपकी मेल आईडी पर, अपने डेली देखना है, फीडबैक लेना है। थैंक यू दोस्तों, सीसी डिजिटल आपका स्वागत करता है। मैं बृजेश सिंह होता जो कि आप लोगों को न्यू लेसन प्लान के साथ कल फिर मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।